सारा चिंता छोड़ो, मेरी बात को गौर से सुनिएगा। अगर आप एक यूट्यूबर हैं और बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मेरी वीडियोज वायरल नहीं हो रही है, मेरे वीडियोज पे व्यूज नहीं आ रहे हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, क्या करूं, मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, बहुत दिन से वीडियोज बना बना के थक चुके हैं, मेहनत कर करके थक चुके हैं, मैं कहता हूं कि सब मेहनत आप छोड़ो, सारा मेहनत छोड़ो। मैं जो बता रहा हूं लिख के ले लो, मैं गारंटी देता हूं कि 15 दिन में आपका चैनल ग्रो हो जाएगा और 15 दिन के अंदर आप एक सफल यूट्यूबर बनने लगेंगे। मैं ये नहीं कहता कि 15 दिन के अंदर आप लाखों रुपये कमाएंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूं कि आपका जो चैनल पे व्यूज नहीं आ रहा है, सब्सक्राइबर नहीं आ रहे हैं, बहुत सारा प्रॉब्लम है ना, ये सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। सीखना चाहते हैं, अगर आप सीखना चाहते हैं बिल्कुल ईमानदारी से, बिना किसी लालच का मैं आपको बता रहा हूं, देखो मैं ऑलरेडी पहले से कमा रहा हूं, आप लोग को पता होगा मेरे पास कई सारे चैनल्स हैं जिस पे 5 लाख, 6 लाख, 4 लाख सब्सक्राइबर भरे पड़े हैं, और इस चैनल पे भी लगभग 2 लाख से ज़्यादा ही लोग हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मैं बिना किसी लालच का आपको वो जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ जो बहुत दिन से आप स्ट्रगल कर रहे हैं और आप उस मुकाम तक नहीं पहुँच रहे हैं जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप एकदम सफल ही हो जाएंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि अगर आप मेरी बातों को फॉलो करते हैं, जिस हिसाब से मैंने ग्रो किया है, अपना अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और आप भी यदि इस तरीके से अपने चैनल्स पे काम करते हैं, तो 15 दिन के अंदर आप अपने चैनल को आप ग्रो कर लोगे और बहुत सारा पैसा कमाओगे, व्यू सब्सक्राइबर अपने आप बढ़ेगा। इस वीडियोज को ध्यान से देखिए दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करता हूँ, बाकी वीडियोज की तरह इसको छोड़ करके जाओगे तो गलती आपकी होगी, क्योंकि मैं तो आपको सिखा रहा हूँ। सीखने वाले इंसान मेरे साथ जुड़े रहें और मैं जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करें। ये बताने से पहले एक बात बताता हूँ, एक लड़का है, बहुत गरीब है, और उसके पास एक मोबाइल है, सिर्फ एक मोबाइल है, और उस मोबाइल को ले करके वो रात दिन यही सोचता है कि मैं यूट्यूबर बनूंगा, यूट्यूब से पैसा कमाऊंगा। बहुत गरीब है और उसको ये नहीं मालूम है कि भैया यूट्यूब पे कितना मेहनत है, यूट्यूब पे कैसे ग्रो होते हैं, कैसे पैसे आता है, उसको कुछ नहीं मालूम है। अब वो लड़का क्या करे, कैसे पैसे कमाए, यूट्यूब पे क्या करे कि वो जल्दी से सफलता पाए, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। मैं आगे आपको सब कुछ बता रहा हूँ क्या करना है, कैसे करना है, लेकिन ये जो बातें बता रहा हूँ इसको गौर से सुनिएगा। देखो यार, कोई गरीब होता है ना, कोई गरीब का बेटा होता है, तो उसके पास एक उम्मीद होती है, उसके पास पैसे नहीं होते हैं, वो चाहता है कि मैं जल्दी से ग्रो हो जाऊँ, अपने माँ बाप का जितने भी दुख हैं ये सारा दुख मैं ख़त्म कर दूँ, मेरे घर में कोई तकलीफ़ ना हो, और खूब नाम कमाऊँ, खूब पैसा कमाऊँ। एक गरीब के पास एक उम्मीद होती है, और ये उम्मीद उस लड़के के पास है, लेकिन करे क्या, एक मोबाइल फ़ोन से उसके पास ना कोई दोस्त है, ना कोई मित्र है, रोज़ यही सोचता है, लोगों को मोबाइल में देखता है, बाकी यूट्यूबर जो हैं उनको बताते हैं कि मैं ये कमाता हूँ, मैं ये बंगला बनाया, मैं ये 2 करोड़ का घर बनाया, मैंने ये गाड़ी खरीदा, ये लोगों को देख देख करके ना इसके मन में एक भावना जगती है कि मैं भी कुछ ऐसा करता, मैं भी कुछ यूट्यूब से पैसा कमाता, नाम कमाता, लेकिन समझ उसको नहीं आती है कि करे क्या, कहाँ से शुरू करे, और इस तरीके से वो रोज़ रात को रोता है, रोज़ अपने दिमाग में ना अलग अलग ख्याल सोच सोच करके रोता रहता है। और एक दिन उसके मन में ये भावना होती है कि यार ये नालायक लोग हैं जो कमा रहे हैं, आखिर ये क्या करते होंगे। देखो नालायक वो इसलिए बोल रहा है कि उसको लगता है कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, इसलिए वो नालायक बोल रहा है, लेकिन ये बात सत्य नहीं है, वो लोग कमा रहे हैं, जो लोग बता रहे हैं ना वो लोग कमा रहे हैं, लेकिन इस बंदे को ये समझ नहीं आती है, वो ये सोचता है ये सब नालायक लोग झूठ बोल रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपया, करोड़ों रुपया लोग कहते हैं मैं कमाता हूँ साल का, इसको हजम ही नहीं होती है, इसको तो ये लगता है कि मैं 10-20 हज़ार रुपया अगर कहें तो ठीक है, 25 हज़ार रुपये तक ठीक है, सरकारी नौकरी से ज़्यादा थोड़ी ना कमा लेगा कोई, इस बंदे के दिमाग में ये होता है। और इसी बात को ये सुन सुन करके कभी इसको विश्वास भी होता है, कभी निराश भी होता है, और रोता रहता है। एक दिन की बात है, इसके मन में ये भावना उठता है कि मैं भी यूट्यूबर बनूंगा, मैं भी यूट्यूब से पैसे कमाऊंगा। ये अपने मोबाइल फ़ोन में एक चैनल बनाता है, ठीक है, चैनल बना करके और उस पर वीडियोज अपलोड प्रारंभ करता है। वीडियोज कैसे बनाए नहीं मालूम है, अभी लोगों को वीडियोस को देखता है कि लोग इसको बता रहे हैं कि वीडियोस आप ऐसे घर पे बैठ करके, यहाँ पे सीढ़ियों पे बैठ करके या फिर छतों पे बैठ करके आप वीडियोस बना सकते हो।
अब ये ट्राई करता है, कोई इसको बता रहा है कि आप ये कंटेंट बनाओ तो ज़्यादा ग्रो हो जाओगे, हो जाएगा, जल्दी से ग्रो हो जाएगा, कोई कह रहा है कि आप ये कोर्स खरीद लो तो इस कोर्स को खरीद करके पढ़ लोगे तो जल्दी से ग्रो हो जाओगे, कोई इसको कह रहा है कि आप ये माइक ले लो, ये ट्राईपोर्ट ले लो, ये कैमरा ले लो, एक बढ़िया सा सेटअप ले लो, अपना लाइटिंग वाइटिंग सब सुधारो। ये लड़का ना इतना गरीब है, ये लोगों की बातें सुन सुन करके 10 दिन तक काम करता है, फिर ये सोचता है मेरे पास तो कैमरा नहीं है, ट्राईपोर्ट नहीं है, लाइट नहीं है, मेरे पास तो ये बढ़िया बढ़िया साधन नहीं है, मेरी वीडियोज पे व्यूज नहीं आता है। 10 दिन काम करता है, लोगों को देख करके काम करता है, लेकिन धीरे धीरे जब ये उसके बारे में सर्च करते रहता है तो उसमें लाखों वीडियोज पड़ी हैं लोगों की, अलग अलग लोगों की, और उसको देख देख करके ये निगेटिव हो जाता है, निगेटिव हो जाता है, और फिर ये धीरे धीरे काम करना बंद कर देता है, और ये फिर उसी काम में लग जाता है जो पहले ये कर रहा था। क्यों? क्योंकि इसको लगता है कि ये ऑलरेडी पहले से लोग कर रहे हैं, मैं अभी करूंगा तो मेरे को कौन देखेगा, मेरी बात को कौन सुनेगा, जबकि ना मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है, ना साधन है, ना कुछ है, ना कहीं, मेरे को कौन देखेगा, इसलिए ये काम करना बंद कर देता है। दोस्तों, ये लड़के की जो मैं कहानी सुना रहा हूँ, हो सकता है ये प्रॉब्लम आपका भी हो, आप भी ऐसा सोचते हैं, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ ऐसा कोई बात नहीं है। आपके पास जो भी है, जिस भी सिचुएशन में आप हैं, परफेक्ट हैं। आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है ना, बहुत है, उसी से दुनिया पे राज करोगे आप, मेरी बात को मानो। क्योंकि मेरे पास भी कुछ भी नहीं था, और मैंने एक मोबाइल फ़ोन से, जो कि लाइफ जियो कंपनी का, आपको मैं बताया भी हूँ, लाइफ जियो कंपनी का फ़ोन है, और उस फ़ोन से मैंने 2018 में चैनल क्रिएट किया था, और आज भी मैं उस मोबाइल को रखा हूँ और मोबाइल से ही काम करता हूँ। इस चैनल का नाम मैंने मोबाइल वाला यूट्यूबर इसीलिए रखा है क्योंकि आप मोबाइल फ़ोन से अपने घर बैठे लाखों रुपये कमा सकते हैं, ये बिल्कुल सत्य है। मैं इसका निचोड़ आपको बता रहा हूँ, पूरा बता रहा हूँ, घुमा के रख दूंगा यार, कोई दूसरी वीडियो जो आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लिख लो मेरे से, कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल सच्चाई, सब झूठे हैं, सब पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, ये खरीदो, वो खरीदो, ये लाओ, ये लाओ, कुछ नहीं चाहिए, बस सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को आप फोकस करके देखो। मैं एकदम इसका ना राज जो है वो आपको बता रहा हूँ, क्या काला बातें हैं जो लोग नहीं बताना चाहते हैं, नहीं समझाना चाहते हैं आप, वो मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, लोगों की ना गलती होती है, मेरी वीडियोज को पूरा नहीं देखते, उनको लगता है कि यार ये तो पता ही, अरे घंटा पता है, पता होता तो आप कामयाब होते, मेरी बात कड़वी है लेकिन सत्य है, सुनने की क्षमता है तो देखो, नहीं सुनने की क्षमता है छोड़ो, बंद करो वीडियो, जाओ किसी और वीडियोज को जहाँ एंटरटेन मजे मिल रहे हो, झूठी बातें सुननी हो तो निकल जाओ, लेकिन सच सुनना है, आगे बढ़ना है, जीवन में सफलता पाना है, 15 दिन में गारंटी लेके देता हूँ आप सफल हो जाओगे। मेरी बात को गौर से सुना, उस लड़के की तरह आपको निराश होकर छोड़ना नहीं है, क्योंकि बहुत सारी काम है जो आपको चेंज करना है, और जब तक चेंज नहीं करोगे तब तक आप कितना भी मेहनत वीडियोस बना लो, कितना भी बढ़िया बढ़िया वीडियोस बना लो, सारा मेहनत बेकार है, क्योंकि चेंज करोगे तो अभी देखना, कल से देखना आपके वीडियो चलना शुरू हो जाएगा, व्यू जाना शुरू हो जाएगा, और सब मतलब रियल में बता रहा हूँ। मेरे चैनल्स पे, मैं मोबाइल वाला यूट्यूबर, मेरे चैनल्स पे जो भी जानकारी चाहिए सारी जानकारी उपलब्ध है, ठीक है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, मैं बता रहा हूँ आपको, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना, क्योंकि लाइक कमेंट करते हो उससे भी आपको बेनिफिट होता है, ये कोई नहीं बताता है, क्योंकि लाइक कमेंट करने से, मेरे को करो या किसी को भी करो, लाइक कमेंट करते हो किसी भी बंदे को तो आप उस बंदे के सिस्टम में जाते हो, उसकी वीडियोज के नीचे आपका वीडियो सजेस्ट करता है, ये लाइक करने का फायदा है, कमेंट करने का फायदा ये होता है कि आपके कमेंट पे, किसी को कमेंट करते हो, आपके कमेंट पे ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, ज़्यादा लोग जाते हैं, ज़्यादा व्यूअर जाते हैं, ज़्यादा लाइक मिलते हैं, ज़्यादा लोग आपसे जुड़ते हैं, आपकी ईमेल आईडी पे ज़्यादा लाइक मिलेगा, ज़्यादा कमेंट मिलेगा, ज़्यादा, तो यार इंगेजमेंट बढ़ेगा ना, इंगेजमेंट बढ़ेगा तो लाखों लोगों के पास जाओगे आप। हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है, लाइक कमेंट शेयर करने से फ़ायदा होता है, मेरी वीडियो कोई शेयर नहीं करता है, ना करें कोई बात नहीं, लेकिन मेरा चैनल ऑलरेडी ग्रो हो चुका है, आपका चैनल ग्रो नहीं हुआ है, आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आज के डेट में भी लाइक सब्सक्राइब करता हूँ बड़े बड़े यूट्यूबर को या किसी को भी, उससे फ़ायदा होता है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ, देखिए सबसे बड़ी जो दिक्कत है, बता रहा हूँ, सबसे पहला जो पॉइंट है, यहाँ पे मैं लिख के भी थोड़ा समझाता हूँ। आप एक चैनल बनाए हो, ठीक है, यूट्यूब का, अब देखो किस कैटेगरी में आपने चैनल बनाया है मुझे नहीं मालूम है, आपको करना क्या है वो पहले बताता हूँ। जिस भी कैटेगरी में आपका चैनल है,
कैटेगरी, जिसकी कैटेगरी में आपका चैनल है, आप अपने कैटेगरी को चेंज कर दो, ठीक है। पहला काम आपको ये करना है, और हो सके तो आप एक नया चैनल बना लो। मैं बता रहा हूँ आपको, हो सके तो आप एक नया चैनल बना लो, और जो पहला जो भी आपने बनाया है, जितना भी वीडियोज आपने बनाया है, इन सारी बातों को भूल जाओ। और मैं जैसा कह रहा हूँ, 15 दिन करके देखो, नहीं होगा तो फिर इस वीडियोज में आके देखना और कमेंट करना और बोलना कि सर मैंने ये सब भी किया था लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। मैं उस प्रश्न से माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ अगर उसका मैंने टाइम ख़राब किया होगा तो, क्योंकि मैं अपना अनुभव आपको बिल्कुल सच्चाई से बता रहा हूँ। अब कैसे मैं आपको बताऊँ कि भाई ये सच है, इसको मानो। बाकी मैं कोई ट्रिक नहीं देने वाला कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जो जेन्युइन है, जिस तरीके से ग्रो हुआ है, होता है, मेरा हुआ है, वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने चैनल का जो कैटेगरी है उसको बदल देना है, ठीक है, कैटेगरी बदल दीजिए। दूसरा काम क्या करना है कि आपका जो चैनल का लोगो है, लोगो, लोगो, जैसे मेरा ये मोबाइल वाला यूट्यूबर मेरे चैनल का नाम है, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मैंने खुद बहुत सारे लोगों को चैनल सब्सक्राइब किया है और मैं करता हूँ, उससे क्या बेनिफिट होता है मैं आगे आपको बताऊँगा। कमेंट करने से भी बेनिफिट होता है, लाइक करने से भी बेनिफिट होता है, ये सारी जो चीज़ें हैं इससे बेनिफिट होता है। आप लोग नहीं करते हो क्योंकि जलन भाव रखते हो, मैं बता रहा हूँ इससे आपका चैनल ग्रो होता है, सब्सक्राइब करने से। लाइक मेरा करो ना करो, किसी का भी करो, क्योंकि अब ये मतलब दिमाग लगाने लगना कि भाई आप बोल रहे हो सब्सक्राइब करो यानी कि आपका इसमें फ़ायदा है, आपके सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, ठीक है बढ़ेंगे, लेकिन सब्सक्राइब करोगे ना तो उससे आपका भी फायदा होगा। मुझे ना करो, बाकी जिसको आप पसंद करते हो उसको आप कर सकते हो। अगर लगता है कि हाँ ये मोबाइल वाला यूट्यूबर यानी मैं कुछ आपको मदद कर रहा हूँ, कुछ आपको हेल्प मिल रही है, तो मुझे भी आप सब्सक्राइब कर लो, कोई बुराई नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब करने से उससे बेनिफिट होता है, आगे आपको बताऊँगा। तो चैनल का जो लोगो है, जैसे मेरा मोबाइल वाला यूट्यूबर का जो लोगो है, उस लोगो को आपने जो भी अपने चैनल पे लोगो लगाया है उसको आप बदलो, एक बढ़िया साफ सुथरा लोगो बनाओ अपने चैनल के अकॉर्डिंग और उस लोगो को आप लगाओ। और तीसरी बात चैनल का नाम बदल दो। क्या चैनल का, एकदम जीरो से बता रहा हूं, चैनल का जो नाम है, नाम उसको बदल लो। अभी तक जो भी नाम आपने रखा था उसको हटा करके एक यूनिक सा नाम आप रख लो। देखो चैनल का नाम जो है ना, उसको जल्दीबाजी में नहीं रखा जाता है, क्योंकि जब तक आपका चैनल सर्च में नहीं आता है, कोई भी नाम आप रख लो। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं अपना बता रहा हूँ कि मैंने जब कोई भी नया चैनल बनाता हूँ तो उसका नाम मैं कैसे रखता हूँ। और आपको अगर प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए, चैनल का नाम बदल देना चाहिए, और ये बाकी जो और भी बातें हैं वो भी बता रहा हूँ, उसको भी करना चाहिए। लेकिन चैनल का नाम रखने से पहले आपको YouTube में पहले सर्च करना चाहिए, जो भी चैनल का नाम आप रखना चाहते हैं जो भी, तो सबसे पहले आप YouTube में सर्च कीजिए कि ये नाम पहले से मौजूद है, इस पे चैनल बना है या नहीं बना है, आप पहले इसको सर्च कीजिए। जब आप कुछ भी लिख करके सर्च करते हो ना YouTube में, तो YouTube पे अगर पहले से वो कीवर्ड, वो वर्ड, उस अक्षर से कुछ भी लिखा हुआ, कुछ भी टैग किया हुआ अगर पहले से रहता है तो उस पे शो करता है। अब जब आप ऐसे करके उसमें लिखोगे, एक यूनिक नाम रखना जिसमें कि कुछ हिंदी भी हो, कुछ अंग्रेजी भी हो, जैसे मेरा है मोबाइल वाला यूट्यूबर, मोबाइल वाला यूट्यूबर है ना। इसमें देखो मैंने क्या चुना है, किस तरीके से इसमें मैंने नाम का सेटिंग किया है, मोबाइल वाला यूट्यूबर। आप मुंह से ऐसे होता है ना, स्पीकर पे उसको डाल करके फिर बोलते हैं कि मोबाइल वाला यूट्यूबर सर्च बॉक्स में जा करके, तो आप ऐसे सर्च करोगे तो मेरा चैनल सबसे पहले आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनका चैनल सर्च करने पर नहीं आता है, क्यों क्यों नहीं आता है, उसका कारण यही है कि आपने सर्च करके नाम रखा नहीं है। अगर सर्च करके आपने नाम रखा होता तो आपका भी सर्च लिस्ट में चैनल आता। तो अब आपको चैनल का नाम बदलना है, लोगो बदलना है, ठीक है, और चैनल का नाम आप एक यूनिक रख लेना यार, इस बात को समझ लीजिएगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि चैनल का नाम बहुत इफेक्ट करता है। मेरा मोबाइल वाला यूट्यूबर ये जो नाम है एक ब्रांड बन चुका है आज के डेट में, ठीक है। अब इस पे मोबाइल वाला यूट्यूबर 2, मोबाइल वाला यूट्यूबर 3 ऐसे करके लोग चैनल बना रहे हैं, बहुत सारा चैनल भी आपको मिल जाएगा। और मेरे नाम को लेकर के पता नहीं कितनी सारी वीडियोज भी बन चुकी हैं, है ना, कि कोई कह रहा है बहुत अच्छे इंसान है, कोई कह रहा है बहुत बुरे इंसान है,
मुझे कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। आप भी यदि चाहो मेरे नाम से कुछ वीडियोस बनाना, जैसा भी आपको लगता है आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी को कॉपीराइट स्ट्राइक उस्ट्राइक कुछ नहीं देता हूं, जिसकी जो मर्जी है वो कर सकता है, ठीक है। अब मेन मुद्दे की बात यह है कि आप लोगो बदल देना, चैनल का नाम बदल देना, चैनल का बैनर भी बदल देना। बैनर समझते हैं, नहीं पता है बैनर, चैनल का बैनर कैसे बनाते हैं, मेरे चैनल्स पे वीडियोस पड़ी है, ये कैटेगरी कैसे बदलें, ये सब कैसे बदलें, आप मेरे चैनल्स पे जा करके आप सीख सकते हैं। सबसे पहला काम यही है, मैं आपको फालतू के जो बकवास है ना वो नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको काम की बात बता रहा हूँ, इस पर ध्यान दीजिएगा। बात मेरी कड़वी हो सकती है, मानो तो लाभ होगा, नहीं मानो तो हानि तो होना पक्का है, क्योंकि आप वैसे पता नहीं कितना वीडियोस बना चुके होंगे और बनाते जाओगे भविष्य में भी, लेकिन उसमें कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आपने सही डायरेक्शन में कोई काम किया नहीं है सही तरीके से। बस जो भी यूट्यूबर आ रहा है यूट्यूब के बारे में आपको ज्ञान दे रहा है, ये कर लो, ये ट्रिक लगा लो, 5 मिनट में 1,000 कर लो, ऐसे हो जाएगा, सब के सब झूठे हैं, सब झूठे हैं भाई साहब। मेरी बात कड़वी है, लेकिन एक बात जान जाओ, 5 मिनट में कुछ नहीं होता है। हाँ 15 दिन में हो सकता है, 10 दिन में हो सकता है, लेकिन 5 मिनट में कहोगे कि 1,000 पूरा हो जाएगा, चलो मान लिया हो भी गया, क्या लग रहा है आपको पैसे कमाने लग जाओगे आप? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में अगर वॉच टाइम 4,000 घंटा पूरा भी कर लिया आपने, क्या लगता है आपको पैसे बनने शुरू हो जाएंगे? आपका चैनल मोनेटाइज भी नहीं होगा, और मोनेटाइज हो भी गया तो फिर डिसेबल हो जाएगा, लिखवा लो मुझे। इसीलिए कह रहा हूँ, सच्ची जानकारी चाहिए तो कान खोल करके मेरी बात को सुनिए, और जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ आज ही अपने चैनल्स पे लागू कीजिए। नहीं लागू करेंगे तो फिर जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा, बाकी कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। कैटेगरी चेंज कीजिए, कैटेगरी कौन से डालें कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। देखो आपका चैनल हो सकता है कॉमेडी में हो, हो सकता है एंटरटेनमेंट हो सकता है एजुकेशन में हो, आप जिस भी कैटेगरी में अभी तक वीडियोस बना रहे हैं उस कैटेगरी से हटा करके किसी दूसरे कैटेगरी में आप सेलेक्ट कर लीजिए, उसी से मिलता जुलता होना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो YouTube का सिस्टम भी काम करता है। YouTube का सिस्टम कैसे काम करेगा, जैसे मान लो अभी तक आपने कॉमेडी सेलेक्ट कर रखा था, हालांकि कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं और कॉमेडी सेलेक्ट कर रखा था, मैं कहता हूं आज ही उसको इंटरटेनमेंट कीजिए, इंटरटेनमेंट कीजिए। चलो आपने पूरा वीडियोज में नहीं बदलना है, एक वीडियोज में मतलब ट्राई करने के लिए एक वीडियोज में आप डालिए, एक वीडियोज में कॉमेडी की जगह पर इंटरटेनमेंट कैटेगरी पर सेलेक्ट कीजिए, देखिएगा उस वीडियोज पे ना बहुत ज्यादा रीच आएगा, बहुत ज्यादा व्यूज आएगा सिर्फ कैटेगरी चेंज करने से। और मैं कह रहा हूं कि कैटेगरी के साथ साथ आप लोगो भी चेंज करो, बैनर भी चेंज करो, नाम भी बदल दो, ठीक है। अब अपने आप को मत बदलना, क्योंकि आप अपने आप को जगह पे किसी और को लाओगे तो फिर वो ठीक नहीं है। हाँ अपने ज्ञान को बदल देना, अपने अंदर का जो मतलब बताने का तरीका है ना, हाव भाव स्टाइल है, ये जो लाइटिंग वेटिंग है ना, ये सब थोड़ा चेंज कर देना, ये समझ गए। इसके बाद से अब मैं इसको बताता हूँ, 3 बातें बताया, चौथी बात क्या है, लाइटिंग से याद आया था, मैं आपको थोड़ा सा यही बता देता हूँ। लाइट, बहुत सारे लोग हैं वो सोचते हैं कि बहुत अच्छा कैमरा होना चाहिए, बहुत अच्छा DSLR होना चाहिए, मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं चाहिए, मेरी बात को समझो। मैंने एक मोबाइल फ़ोन, ये देख रहे हैं मोबाइल, एक मोबाइल फ़ोन से मैंने चैनल को स्टार्ट किया था शुरुआती दिन में, और आज मेरे पास मोबाइल भी है कई सारे, प्लस कैमरा भी है, स्टूडियो भी है, बाहर भी शूट करता हूँ, झोंपड़ी में भी जाके शूट करता हूँ, जहाँ मर्जी जाऊँ जैसे भी मर्जी करूँ, मैं कोई बहाना नहीं बनाता। ये आज आप ये माइक देख रहे हो, रोड का भी माइक है, ये जो पोडियम माइक है ये भी माइक है, बोया का भी माइक है, एक और माइक मैं हाथ में लेकर के बोलता हूँ, आपको पता होगा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट मैंने बना रखा है, लेकिन शुरुआती दिन में मेरे पास कुछ भी नहीं था, और मैं बताऊं उसी से मज़ा आता है करने में, जब कुछ भी नहीं होता है ना तभी मज़ा आता है करने में। ये सारा कुछ है ना तो बहुत ज़्यादा टेंशन भी है, इसको यहाँ तार फंसाओ, यहाँ सेटिंग करो, कैसे लाइटिंग का सही करें, ये करें, अरे घंटा कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपको सिर्फ और सिर्फ जो भी है, जिस भी इंस्ट्रूमेंट को आप यूज कर रहे हैं, मोबाइल है ना कोई बात नहीं, मैं भी मोबाइल से रिकॉर्ड करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मोबाइल से रिकॉर्ड कीजिए, बेहतरीन वीडियोज बनाइए जहाँ पे साफ क्वालिटी में वीडियो आती हो। अब साफ क्वालिटी क्या होती है, जैसे मान लो धूप अगर चेहरे पे आ रही है तो समझ लो कि चेहरा मतलब कि वीडियोज बहुत अच्छा बनेगा, धूप पीछे है, सूरज अगर पीछे चला गया है तो पीछे से लाइट आएगी ना, फिर वीडियो साफ नहीं आएगी, लेकिन सूरज इधर है आपके सामने, आंखों के सामने है, थोड़ा सा इधर घूम जाइए, वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, वैसे वीडियो सबसे बेहतरीन बनता है। और मैं बता दूं कि लाइटिंग का कोई जरूरत नहीं है, एक दो बल्ब भी आप टांग करके
अपने आगे ऐसे करके फोकस चेहरे पे डाल करके आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर बाहर ही चले जाओ यार, लाइटिंग है झंझट ही छोड़ो, लाइट रहे ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, आप बाहर जा करके वीडियो रिकॉर्ड करो, ठीक है। लाइटिंग एक बहाना है, मेरे मानना है कि लाइटिंग एक बहाना है, अगर इंसान करना चाहे तो बिना लाइट का भी सब कुछ कर सकता है, बिना पंखे का। अभी देखो मेरे पास पंखा उनका सब है, लेकिन मैं बंद करके बिल्कुल आराम से आपको समझा रहा हूँ कि कोई नॉइज ना आए, और आप जो साउंड की जो क्वालिटी है ना वो बताना, क्योंकि ये रोड का माइक है, रोड का माइक है, 35,000 का ये सिर्फ माइक है, आप इसका आवाज़ बताना कि कैसा आ रहा है। अब वीडियोज़ में देखूंगा फिर बाद में कि मैं कैसा बनाया हूँ, फिर आपको पता लगेगा, मुझे भी पता लगेगा, लेकिन आप कॉमेंट करके बताइएगा कि ये मेरी आवाज़ कैसा आपको सुनाई दे रहा है। देखो वीडियोज़ में बहुत चीज़ मैटर करता है, लाइटिंग में बता रहा हूँ ना, लाइटिंग नहीं है तो भी ठीक है, लेकिन क्वालिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी का मतलब है कि अगर कोई बंदा मोबाइल में देख रहा है तो उसको एकदम साफ सुनाई देनी चाहिए, साफ दिखाई देनी चाहिए। जो आवाज़ आप बता रहे हो ऑडियो की, मतलब बोल रहे हो, जो मैं बोल रहा हूँ इसकी जो आवाज़ है, यदि आपको साफ सुनाई दे रही है तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे, और अगर वीडियो साफ दिख रही है, देखने में एकदम साफ दिख रहा है, कोई झिलमिल मिलमिल या कोई वैसा अंधेरा टाइप नहीं है, तो वीडियोस को भी आप पूरा देखोगे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा, और YouTube भी उसको सपोर्ट करता है, YouTube भी उसी वीडियोस को सपोर्ट करता है जिसमें ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी जो है वो एकदम परफेक्ट हो, मतलब कि 100% में 100% हो, ठीक है, ये समझिएगा। तो लाइटिंग से याद आया कि आप लाइटिंग का बहाना मत बनाइएगा, क्योंकि शुरुआती दिन में किसी के पास कुछ नहीं होता है। आज डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, 35,000 के माइक है, लाखों रुपये कैमरा है, लेकिन पहले ये सब नहीं था, और आपको ये सब चाहिए भी नहीं, क्योंकि जब आप जैसे जैसे ग्रो करते हो ना, जैसे जैसे आप यूट्यूब पर मतलब 1,00,000 सब्सक्राइबर आते हैं, 2,00,000 आते हैं, जैसे जैसे आप ग्रो करते हो वैसे वैसे आपको इम्प्रूव करना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं है तो मोबाइल बहुत काफ़ी है। ये मोबाइल मेरा 2018 का है, और 2018 से लेकर के आज तक इसमें काम करता हूँ, ठीक है। तो अब अगला स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। लाइटिंग का हो गया, अब देखिए ऑडियो वीडियो मैंने बता दिया था, अब ये जो बात है, जैसे वीडियो आप लोग बनाते हो, पांचवा लाइटिंग प्लस ऑडियो मैंने इसमें कवर कर दिया है। अब वीडियो जो बनाते हो, जिस भी टॉपिक पे आप बनाते हो, गलती तो आप यही करते हो कि जो मन में आया वो बना दिया। आप लोगों की ये सबसे बड़ी गलती है, ऐसा आपको नहीं करना है। क्या करना है कि जिस भी टॉपिक को आप बनाना चाहते हो, पहले उसके बारे में आप देखो कि इस टॉपिक पे कितनी सारी वीडियोज बनी हैं, ऐसा आप चेक कर लेना पहले। अगर उस टॉपिक पे आपको वीडियोज नहीं बनानी है, आपको ट्रेंडिंग टॉपिक पे बनानी है, या फिर कुछ नया बनाना है, ये देखो इसमें तीन बात होती हैं, मैं आपको समझाता हूँ। पहला होता है कि जो ऑलरेडी लोग बना रहे हैं उसको देख करके आप भी बना रहे हो, ठीक है, ऐसा बनाते हैं। मैं भी कई सारी ऐसी वीडियोज हैं जिसको लोगों को देख करके मैं भी बनाता हूँ, वो लोग बना रहे हैं, ठीक है, मैं भी बनाता हूँ, ऐसा भी बात है। दूसरा बात है कि एक मेरा खुद का कंटेंट होता है, मेरा खुद का कंटेंट है, जैसे ये जो वीडियोज है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये किसी को देख करके मैं नहीं बना रहा हूँ, ये मेरा खुद का कंटेंट है। मैंने खुद इस पे सर्च किया, खुद मैंने देखा कि लोगों की ज़रूरत है, सच्चाई कोई बता नहीं रहा है, सब के सब उसमें मिलावटी बातें कर रहे हैं अपने फायदे के लिए, कोई ये ऐप बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, और मुझे लगता है कि 100 में से 80% ऐप तो बिल्कुल फ्रॉड ही हैं, जो सिर्फ और सिर्फ वो ऐप प्रचार पैसे के लिए किया गया है, ठीक है। 20% ही ऐप सही हैं जो कि एक यूट्यूबर को उसकी ज़रूरत है। मैं आपको आगे बताऊंगा कि आपको कौन कौन से ऐप की ज़रूरत है, और मोबाइल फ़ोन में बिल्कुल आराम से प्ले स्टोर पर फ्री में मिल जाता है, और उस ऐप को मैं भी यूज करता हूँ, और आपको भी उसी ऐप को यूज करना है। कोई ज़्यादा एडिटिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं चाहिए यार, मैं बता दो रहा हूँ, जो चाहिए वो आपका कंटेंट होना चाहिए। अब वही कंटेंट पे मैं आया हूँ कि आप जो वीडियोस बनाते हो, उस वीडियोज को तीन तरह की होती है, पहला तो किसी को देख करके आप बना रहे हो, दूसरा अपना खुद का कंटेंट आप बना रहे हो जैसा कि मैं बना रहा हूँ, और तीसरा आप एक ट्रेंडिंग टॉपिक वीडियोज बनाते हो। ट्रेंडिंग टॉपिक समझते हैं जो ट्रेंड कर रहा है, जैसे अभी चुनाव का माहौल है, आज 3 तारीख है जून का, हाँ राइट, 3 जून है, जनवरी में बोल दिया, माफ कीजिएगा, 3 जून है, कल 4 जून कल है, और कल जो है चुनाव का रिजल्ट आएगा, प्रधानमंत्री जी जो हैं चल रहा है ना चुनाव, तो उसका रिजल्ट 4 जून को आएगा, आज 3 तारीख है, तो ये ट्रेंड है, एक ट्रेंड है। अभी सारे लोग, ज़्यादातर लोग, मतलब भारत के लोग क्या ढूंढ रहे होंगे कि भाई चुनाव का रिजल्ट कब आएगा, या फिर चुनाव में कौन जीतेगा, है ना,
कौन सी पार्टी जीतेगी, कितने सीट आए, ये सब मतलब वर्ड हैं जो कि लोग सर्च कर रहे होंगे और ज़्यादातर वो ट्रेंड कर रहे होंगे। ठीक है, किसी नेताजी का फेमस डायलॉग या भाषण कुछ भी मतलब ट्रेंड कर रहा होगा, समझ रहे हैं, ये होता है ट्रेंडिंग टॉपिक। अब एक तो हो गया मतलब ये, इसके साथ साथ मैच अगर चल रहा है, कोई क्रिकेट मैच चल रहा है, उस वो भी ट्रेंड में चलता है। ठीक है, कोई ब्लॉग बनाया है, कोई मशीन आया है, कोई नया एसी आया है, गर्मी के दिन है, कोई नया एसी आ गया है ना, और वो मतलब कम बिजली में छोटा सा एसी है जिसमें कि बहुत ठंडा हवा देता है, मतलब कुछ भी प्रोडक्ट भी हो सकता है, वो ट्रेंड करता है, जिसपे एक दिन में कम से कम मिलियन में व्यूज आ जाता है, एक दिन में 5 लाख व्यूज आ जाता है, एक दिन में 20 लाख व्यूज आ जाता है, एक दिन में करोड़ों व्यूज आ जाते हैं, वो वीडियो ही ट्रेंड करता है, उसको कहते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक। समझ रहे हैं, मेरे जितने भी बहने लोग हैं या भाई लोग हैं शॉर्ट भी बनाते हैं, मैं थोड़ा सा उस पर भी बात कर लेता हूँ। शॉर्ट बनाते हैं जैसे 15 सेकंड का, 20 सेकंड का, 30 सेकंड का, एक मिनट से कम का जो वीडियोस होता है उसको शॉर्ट कहा जाता है, और बहुत सारे मेरे भाई बहने लोग शॉर्ट बनाते हैं, तो शॉर्ट वीडियोज में भी ट्रेंडिंग होती है, शॉर्ट वीडियोज भी ट्रेंड करता है। ठीक है, अब ट्रेंडिंग वाला एक सेक्शन भी होता है, जब आप यूट्यूब को ओपन करोगे, YouTube को जब आप ओपन करोगे तो सबसे पहले होम पेज होता है और उसके बाद से ट्रेंडिंग का एक मतलब पेज होता है जिसमें कि 20-25 वीडियोज ट्रेंड कर रहा होता है, जिसमें कोई एक नंबर पे चल रहा होता है, कोई 2 नंबर पे चल रहा होता है, कोई शॉर्ट वीडियोज भी चल रहा होता है, मतलब उसी ट्रेंडिंग टॉपिक में लाइन बाई लाइन आपको कोई ना कोई जितनी वीडियोज होंगी ट्रेंडिंग पे जो ट्रेंड कर रहा है, आपको क्या करना है कि उस पे भी आप वीडियोज बना सकते हो। एक हो गया अपना खुद का वीडियोज, दूसरा है ट्रेंडिंग टॉपिक का वीडियोज, और तीसरा है किसी को देख करके कुछ बना रहे हो वो टॉपिक। ठीक है, लोग गलती यही करते हैं, इस बात को समझते नहीं है, जो मन में आया वो बना दिया, जो मन में आया वो बना दिया, तो उससे नुकसान ये होता है कि वो चलता नहीं है, इस पर व्यूज नहीं आता है। तो करना क्या है, करना क्या है, ये कि वीडियोज को बनाते वक्त, जब भी आप वीडियोज बना रहे हो उस वक्त आपको पहले YouTube में सर्च कर लेना है, जिस अगर ट्रेंडिंग टॉपिक बना रहे हो फिर भी, अगर अपना खुद का बना रहे हो फिर भी, क्योंकि हर वीडियोज का ना कोई टाइटल होता है, कुछ ना कुछ उसके मतलब वर्ड होते हैं, आप उस वर्ड को लिख करके उसमें सर्च करो, और सर्च करने के बाद और देखो कि उसमें रिजल्ट क्या आ रहा है। जैसे मैं मोबाइल में सर्च करूंगा तो उसमें देखूंगा रिजल्ट क्या आ रहा है, और जो रिजल्ट आ रहा है, जिस तरीके से उस वीडियोज में थंबनेल बना है, जिस तरीके से उसमें टाइटल बना है, टैग लिखा गया है, डिस्क्रिप्शन लिखा गया, मैं क्या करूँगा सबको देखूंगा, और देख करके मैं कोशिश ये करूँगा कि उससे बेहतर बनाऊँ, उससे बेहतर थंबनेल बनाऊँ, और जो बातें उसमें बताया गया है और कौन सी बातें हैं जो उसमें नहीं बताया गया है, मैं उस पर फोकस करूँगा। मैं अगर आपके जगह पर रहूँगा तो ये काम करता हूँ। तो वीडियोज बनाने वक्त आप उसको सर्च कीजिएगा, सर्च करके जो उसमें थंबनेल है, टाइटल है, टैग है, डिस्क्रिप्शन है, उसको अच्छे से देख लीजिएगा, उससे मिलता जुलता कीवर्ड आप भी लिखिएगा। अब बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन ये भी है, थोड़ा सा मैं इस पर भी बात कर लूँ कि भाई ट्रेंडिंग टॉपिक पे तो ऑलरेडी वीडियोज बन चुका है, मतलब उस वीडियोज को तो ऑलरेडी वो ट्रेंड कर रहा है, तो उसमें हम क्या करें। हाँ भाई, ये सवाल हो सकता है कि भाई उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अब क्रिकेट मैच स्टेडियम में हो रहा है तो मैं क्या रिकॉर्ड करूँ, क्या उसमें दिखाऊँ, क्या बताऊँ। मैं कहता हूँ उस अगर वो वीडियोज मतलब फलाना बनाम फलाना मतलब किसी एक देश से उसके वर्सेस किसी और देश का, जैसे इंडिया टू पाकिस्तान एग्जांपल के लिए, हालांकि हो नहीं रहा है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ऐसा कोई क्रिकेट चल रहा है तो आपको अपना ओपिनियन दे करके एक वीडियोज रिकॉर्ड कर लेना है घर में ही। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। अब इंडिया के रहने वाले हैं, इंडिया जरूर जीतता है, हर मैच जीतता है, कोई कोई मैच हारता भी है, बट अगर आप किसी के फेवर में, जिसके भी प्रेमी हैं, मैं ये नहीं कहता यहाँ करो वहाँ करो, जहाँ जो भी टीम आपको अच्छा लगती है उसके फेवर में या उसके नाम पे अपना ओपिनियन आप दे सकते हो, उस टीम के बारे में कुछ अपना ओपिनियन दे सकते हो कि भाई ये बंदा बहुत अच्छा खेलता है, ये गेंदबाजी बहुत अच्छा करता है, इसका ये बात बहुत अच्छा है, अपना ओपिनियन दे सकते हो। ठीक है, ओपिनियन दे करके 10 मिनट का, 15 मिनट का, 12 मिनट का आप एक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। हाँ, ये समझ गए वीडियो रिकॉर्ड कैसे होता है, उस टॉपिक पे आप वीडियो रिकॉर्ड कर लिए, अब उस वीडियो को अपलोड करना है। अब जब आप अपलोड करोगे तो वही टाइटल, जैसे इंडिया टू मतलब इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ऐसा होता है ना, मतलब कीवर्ड होता है, उस कीवर्ड को टाइटल में भी, टैग में भी, डिस्क्रिप्शन में भी, हर जगह उसको लिखना होता है। अब वो लिखने से फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि कोई भी बंदा अगर उस भी टॉपिक पे उस भी कीवर्ड को उसमें सर्च करेगा तो आपका वीडियो उसके नीचे सजेस्ट करेगा,
क्योंकि आपने कीवर्ड वो लिखा है जो उस भी वीडियो में है, जो वो देख रहा है या वो ढूंढ रहा है। अगर आपने लिखा है तो उसको सजेस्ट करेगा उसके ब्राउज फीचर में, उसके होम पेज पे, उसके सर्च लिस्ट में या किसी दूसरे वीडियोज के नीचे वो है सजेस्ट करेगा। ये फायदा होता है ट्रेंडिंग टॉपिक से। अगर आप ओपिनियन देकर के वीडियो बनाते हो, अगर टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखे हो तो ये फायदा होता है। समझ रहे हैं? चलिए यहां तक समझ गए वीडियोज रिकॉर्ड कैसे करना है। अब मैंने एक तो एग्जांपल दे दिया ट्रेंडिंग टॉपिक का। अगर आपको अपना मतलब वीडियोज बनाना है तो अपने हिसाब से आप क्या करना, जैसे मान लो एक इस पर भी बात कर देता हूं, क्योंकि यदि बहुत सारे लोग हैं ना जो अपना खुद का कंटेंट बनाते हैं, जैसे मेरी बहनें लोग हैं जो सब्जी बनाती हैं, खाना बनाती हैं, कुछ किचन टाइप में कुछ करती हैं, तो वो अपना खुद का रेसिपी कुछ बना रही हैं, तो वो सोचती हैं कि मैं इसमें कीवर्ड क्या डालूं, कौन सा टाइटल सही रहेगा, कौन सा टैग सही रहेगा, कौन सा डिस्क्रिप्शन सही रहेगा, क्या लिखें। मैं कहता हूं बहुत सारे वीडियोज हैं जिसमें कीवर्ड नहीं भी है, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन नहीं भी है, फिर भी वो वीडियोज वायरल है और वो मिलियन में व्यूज है, करोड़ों में व्यूज है। ऐसा क्या होता है? ऐसा ये होता है कि जो वीडियोज की क्वालिटी है वो सबसे बढ़िया होती है, एकदम साफ होती है, ऑडियो क्वालिटी होती है बिल्कुल साफ होती है, और जो भी प्रोडक्ट पे बनाया जा रहा है उस मतलब रेसिपी में जो भी चीज़ बनाया जा रहा है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से और एकदम नया तरीके से लोगों के सामने पेश किया जाता है, ठीक है। तो वो वीडियोज को लोग अच्छे से देखते हैं, उस वीडियोज पे ज़्यादा वॉच टाइम होता है, उस पे इंगेजमेंट बहुत अच्छा होता है, इसलिए YouTube उसको ज़्यादा लोगों के पास रिकमेंड करता है, सजेस्ट करता है और लाखों करोड़ों लोगों के पास जाता है और बहुत सारे व्यू जाता है, ठीक है। उसमें कोई टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन ज़्यादा होता नहीं है लेकिन फिर भी वो वायरल होता है। आपको भी यही काम करना है, ठीक है, ये समझ गए। चलिए वीडियोज के बाद ऑडियो के बारे में मैंने बता दिया, एकदम बढ़िया सा माइक ले लीजिएगा। माइक नहीं पता है कौन सा माइक खरीदें, क्या खरीदें, देखो थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं, ये जो रोड का माइक है, जो ये वाला माइक है, ये आप तो लोगे नहीं क्योंकि ये बहुत महंगा है, आप चाहो तो ले भी सकते हो, और सस्ता माइक भी है 400-500 रुपये का आता है, वो भी आप ले सकते हो। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जा करके आप खरीद लीजिएगा, ठीक है। माइक का लिंक दे दूंगा, वायरलेस माइक का, वायर वाला 250, 300, 500, 1000, 1000, मैं कह रहा हूँ कि तीन माइक आप ले लेना या फिर तीन में से एक ले लेना, तीन नहीं ले सकते कोई बात नहीं, एक ले लेना, क्योंकि ये वाला लोगे तो ये तो मतलब बिना वायर का, एक और है बिना वायर का जो 500-600 रुपये का मिलता है, उसका भी लिंक दे दूंगा, और तीसरा है बोया का जो सबसे फेमस यूट्यूबर के लिए है, उसका भी लिंक दे दूंगा, आप जाकर के खरीद लीजिएगा। चलिए ऑडियो क्वालिटी आपको समझ में आ गई, वीडियोज क्वालिटी समझ में आ गई, अब क्या करना होता है, टॉपिक मैंने आपको बता दिया कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, अब क्या करना है उसको थंबनेल बनाना है। मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, थंबनेल जानते हैं। देखो कितना भी अच्छा वीडियो बना लो आप, कितना भी मेहनत कर लो, कितना भी क्वालिटी वाला बना लो, लेकिन अगर आपका थंबनेल बढ़िया नहीं है तो वो वीडियोज नहीं चलेगा, उस पर व्यूज नहीं आएगा और वो सारा मेहनत बेकार है, सारा मेहनत बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि थंबनेल बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपके वीडियोज को वायरल करने में, आपको ग्रो करने में। तो करें क्या, सवाल है ना, करें क्या, मैं बताता हूँ। एक ना पिक्सल लैब एक एप्लीकेशन आता है, मैं उससे बहुत दिन से वीडियो बनाता हूँ, ये जो वीडियोस का थंबनेल है ये भी पिक्सल लैब से ही बना हुआ है और उसको मैं कई सालों से यूज कर रहा हूँ, आपको भी बोल रहा हूँ कि फ्री में वो डाउनलोड कर लीजिए, नहीं है तो, और है नहीं पता है कि पिक्सल लैब से कैसे बनाते हैं थंबनेल, नहीं पता है आपको तो मेरे चैनल्स पे वीडियोस पड़ी है कि पिक्सल लैब से थंबनेल कैसे बनाए, या फिर आप मेरे वीडियोस में जाइएगा, बहुत सारा वीडियोस पड़ी है उसमें थंबनेल कैसे बनाए, मोबाइल वाला यूट्यूबर आप लिखेंगे तो आप मेरी वीडियो जो है आपके सामने आ जाएगी, आप उसको देख करके 5 मिनट में एक बढ़िया सा थंबनेल बनाने का प्रोसेस है आप सीख जाएंगे, बिल्कुल हिंदी में मैंने सिखाया है, ठीक है। थंबनेल बनाइएगा मेरे भाई, सारा मेहनत फोकस थंबनेल पे दीजिएगा, वीडियोज भी बढ़िया होना चाहिए लेकिन उससे इम्पोर्टेंट है थंबनेल, क्योंकि लोगों के पास ना सबसे पहले थंबनेल ही जाता है आपका, थंबनेल जाता है, थंबनेल बढ़िया नहीं है सारा मेहनत बेकार है, इस बात को आप मान लो, क्योंकि मैंने पता नहीं कितनी वीडियोज, हजारों पता नहीं कितनी वीडियोज बनाया है, अब अलग अलग चैनल है, अलग अलग चैनल पर मैंने पता नहीं कितनी वीडियोज बनाया है, लेकिन थंबनेल अगर बढ़िया नहीं होता है तो उस पर व्यूज नहीं आता है, थंबनेल बढ़िया है तो व्यूज ज़्यादा आएगा, ये बात एकदम सत्य है। और हाँ, क्लिकबैट मत करना, वो लोग बोलते हैं ना कि भाई इसमें झूठा लिख दो, झूठा फोटो लगा दो, झूठा स्टाइल मार दो, कुछ नहीं,
मैंने इस थंबनेल पे लिखा है कि 15 दिन में आप सफल हो जाओगे, सक्सेस मिलेगी आपको 15 दिन के अंदर। जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से करोगे तब। मैंने झूठ नहीं लिखा है, हो सकता है एकदम 10 दिन में भी हो जाएगा, 10 दिन में भी आपको 1,000, 2,000, 5,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, लाखों में भी हो जाएगा, 10 दिन में भी हो सकता है। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उस तरीके से करते हैं तब, गारंटी मैंने लिखा है, 100% गारंटी भी है, मैंने झूठ नहीं लिखा है, क्योंकि मेरा खुद हुआ है, आपका भी हो सकता है। ये जो चैनल है एकदम नया है, आप जाकर के चेक कर लेना, बहुत नया है और इस पे इतने सब्सक्राइबर हैं, इतना व्यूज आता है। कैसे आता है? क्या मैंने कोई अलग से माइंड लगाया, अलग से ट्रिक लगाया? कुछ नहीं, वही चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो मैं झूठ नहीं लिखता हूं, मैं गलत बात नहीं लिखता हूं कि किसी को अट्रैक्ट करो, थंबनेल देकर के अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट जाएगा, अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है, ये सब ड्रामा मेरे से नहीं होता है। सच्चाई देखना है तभी सब्सक्राइब आप मुझे कीजिएगा, और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं ना इंस्टाग्राम पे मेरे को मैसेज करते हैं, आप जाकर के फॉलो कर लीजिएगा, वहां पे भी मैं आपको बताता रहता हूँ। लेकिन मेन बात क्या है कि जब आप थंबनेल भी बढ़िया बना लिया, थंबनेल भी आपने बढ़िया बना लिया, उसको अपलोड कीजिए। अपलोड कैसे अपलोड करते हैं पता आपको? देखो, अपलोड जैसे करते हो वैसे करो, उसमें कोई मैं छेड़छाड़ नहीं कहूंगा करने के लिए। जैसा आप कर ठीक लगे, YouTube ऐप से कर लो, क्रोम ब्राउजर से कर लो, या किसी एक से करते हो कोई बात नहीं। लेकिन 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 करना क्या होता है कि जब भी आप अपलोड करते हो, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन तो आप लिखते ही होंगे, नहीं भी लिखते होंगे तो लिखना प्रारंभ कर दीजिएगा। अब बाकियों की तरह आप ये मत सोचना कि फलाना यूट्यूबर का तो बिना टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन का ही हो जाता है तो मैं क्यों लिखूं, मेरा भी हो जाएगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा आप करते हो तो ज़्यादा व्यूज नहीं आता है, परेशान रहोगे, हजारों वीडियोज़ बना लो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। ये बात का जरूर ध्यान रखना कि अपलोड करते समय आपको जो भी टाइटल लिख रहे हो सर्चेबल होना चाहिए। लोग अगर सर्च करें तो वो लोगों के सामने जाना चाहिए, है ना। कि अब जैसे मान लो, फॉर एग्जाम्पल, मैं ये वीडियोज़ बना रहा हूँ कि यूट्यूब पर सफल कैसे हूँ, है ना। अब कोई भी सर्च करेगा यूट्यूब पर सफलता कैसे प्राप्त करें, तो ये जो मेरी वीडियोज है ना, उसके सामने एक नंबर दो नंबर पे ज़रूर जाएगा, ठीक है। अगर एक दो नंबर पे नहीं गया, कोई इस तरह का वीडियो देख रहा होगा, मतलब यूट्यूब पे सफलता कैसे पाएं, यूट्यूब से पैसा कैसे कमाएं, तो उसके वीडियोज के नीचे ये मेरे वीडियो जो है रिकमेंड करेगा उसके वीडियोज के नीचे, ठीक है। तो टाइटल टैग और डिस्क्रिप्शन, ये जो चीज़ है इसको लिखना जरूरी है और लिखना चाहिए। नहीं लिखोगे तो व्यूज नहीं आएगा मेरे भाई, ये बात बिल्कुल सही है। तो करना क्या है, टाइटल क्या लिखना होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। अब देखो, चाहे शॉर्ट वीडियो आप बनाते हो या लॉन्ग बनाते हो, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, मैटर ये ज़्यादा करता है कि टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन आप लिखे हो कि नहीं। टाइटल में सर्चेबल जैसे 100 वर्ड होते हैं लिखने के लिए, 100 वर्ड टाइटल में। मैं ये लिख रहा हूँ कि यूट्यूब पे सफल कैसे हूँ, मैंने लिखा है कि सब मेहनत बर्बाद, 15 दिन में सफलता गारंटी है, मैंने लिखा है। मोबाइल वाला यूट्यूबर, मैं 3 बात लिखा हूं। अब ये जो चीज है 15 दिन में सक्सेस, उसके बाद से मैं ऐसा स्पेस दूंगा, फिर यहां पे लिखूंगा क्या, यूट्यूब पे सफल कैसे हूं, और तीसरा बात यहां पे फिर लिखूंगा मोबाइल वाला यूट्यूबर, ठीक है। ये 3 बातें लिखूंगा, ये 100 वर्ड पूरे हो जाएंगे, ये जो 100 वर्ड है यहां पे पूरे हो जाएंगे। ये हो गया टाइटल। अब देखिए क्या करना होता है, टाइटल लिखने के बाद जो डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन यही लोगों को ना पता नहीं है और इसी वजह से लोग कंफ्यूज हैं और व्यूज नहीं आते। डिस्क्रिप्शन में इसी टाइटल को कॉपी करके डिस्क्रिप्शन में आप पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद से हैशटैग डालिए। आप जाकर के मेरे डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिएगा, मैंने ये सब किया है और करता हूँ, हर वीडियोज में करता हूँ। हैशटैग में क्या लिखूंगा, यूट्यूब में सफलता। आपको ये नहीं लिखना है, आपको ये नहीं लिखना है, आपको अपने टाइटल के हिसाब से अपने डिस्क्रिप्शन को लिखना है। उस टाइटल को कॉपी करके जो आप लिख रहे हैं उसको कॉपी करके अपने डिस्क्रिप्शन में उसको पेस्ट कीजिए, हैशटैग डालिए। मैं लिखूंगा यूट्यूब पे सफलता, यूट्यूब पे सक्सेस, यूट्यूब से मनी, ऐसा कुछ मैं हैशटैग डालूंगा, 2-3, ज़्यादा भी नहीं, 2-3 डालूंगा। आप जो भी टाइटल दिए हैं उसके हिसाब से हैशटैग डालिएगा, 2-3, ठीक है। और एक दो नंबर करके डिस्क्रिप्शन में, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर ऐसे करके मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यूट्यूब पे सफलता, ठीक है, यूट्यूब पे सफलता मैं ऐसे लिखूंगा।
दूसरा वाला लिखूंगा YouTube से पैसा कैसे कमाएं, भाई को YouTube से पैसा कैसे कमाएं, हिंदी में लिखूंगा, अंग्रेजी में लिखूंगा, फिर लिखूंगा YouTube पैसा कब देता है, YouTube पैसा कब देता है, ऐसे लिखूंगा, फिर तीसरा लिखूंगा, इसी तरीके से कर्म वाइज 10 वर्ड में 10 मतलब 10 बार इसको लिखूंगा, इसी बात को घुमा फिरा करके। आप भी अपने टाइटल को घुमा फिरा करके 10 बार डिस्क्रिप्शन में ज़रूर लिखिएगा, समझ रहे हैं। इतना आसानी से मैं आपको समझा रहा हूँ, जो रियल है, प्रैक्टिकल है, मैंने किया है, आप भी कर सकते हो, बहुत जल्द ग्रो हो जाओगे मेरे भाई, यकीन करो। जितनी भी मैंने बातें बताया, यदि आपने सच में फॉलो कर लिया ना, अभी आगे और भी है, बहुत सारे हैं, सुनिएगा ध्यान से, लेकिन ये फॉलो कर लिया तो रोकने मतलब कोई रोकेगा नहीं आपको, गारंटी पक्का वायरल हो जाओगे बहुत जल्द, ठीक है। अभी हो गया डिस्क्रिप्शन की बात है, डिस्क्लेमर भी लिखना होता है, आप लिखो ना लिखो कोई बात नहीं, मैं लिखता भी हूँ नहीं भी लिखता हूँ, लेकिन टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन ये जरूर लिखता हूँ। अब टैग में क्या लिखे, टैग में ये जितनी भी बातें मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा था, इसी बात को कोमा दे करके ऐसे करके, फिर इसी बात को यहाँ पे, फिर ऐसी बात को YouTube से पैसा कैसे कमाएं कोमा, YouTube से YouTube फॉर मनी कोमा, YouTube पे सफल कैसे हो कोमा, ऐसे ऐसे करके 10 बार इसको भी। अब देखो टैग में कम से कम 500 वर्ड होते हैं, 500 वर्ड आप लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में 5000 वर्ड होते हैं और टाइटल में 100 वर्ड होते हैं, ठीक है। तीनों को लिखिए, लिखने के बाद अब उसमें बढ़िया सा थंबनेल लगाइए, थंबनेल लगा करके उसको अपलोड कीजिए, प्लेलिस्ट बनाएं, प्लेलिस्ट कीजिए, और अपलोड करते समय ये बात का जरूर ध्यान रखिएगा, कैटेगरी आपने सिलेक्ट किया है, चेंज किया है, क्या किया है, इसको ध्यान देख लीजिएगा। वीडियोज का लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज हाँ, किस भाषा में आपकी वीडियो जाए, हिंदी में है तो हिंदी, अंग्रेजी में है तो अंग्रेजी। और मैं आपको बता दूं, यदि अंग्रेजी सेलेक्ट कर देते हैं, हिंदी में अगर बोल रहे हैं और वीडियोज में आपने अंग्रेजी सेलेक्ट कर लिया उसमें लैंग्वेज में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उससे जानते हैं फ़ायदा होता है, नुकसान हो ना हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन फ़ायदा ज़रूर होता है, क्योंकि मेरे चैनल्स पे एक ऐसा हुआ है और मैं करके मैंने देखा है, पैसा ज़्यादा कमाई होता है उस पर। अगर लैंग्वेज अंग्रेजी है, भले ही आप कभी कभी वर्ड उसमें यूज करते हैं अंग्रेजी का, हिंदी में ही वीडियोज़ बनाते हैं, लेकिन उस पर कमाई ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आप कमाई के चक्कर में ये गलती मत कीजिएगा, हो सकता है नुकसान भी हो, लेकिन जिस भी लैंग्वेज में आप वीडियोस बना रहे हैं उसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ तक समझ गया, चलिए अब उसको पूरा अपलोड होने दीजिए, 1 से लेकर के 99-100% अपलोड हो जाएगा। उसके बाद से एक ना प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग आजकल ना AI का ज़माना है, AI का आप लोग जानते हैं, सुने होंगे यार, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, सच्चाई बता रहा हूं। एक ऑप्शन आएगा AI ऑन, मतलब यस या नो, ठीक है, नो या यस ऐसा कुछ आएगा, आपको आपको नो रखना है। अगर आप AI के बारे में नहीं जानते हैं, AI से कुछ यूज नहीं किया, कहीं से फोटो डाउनलोड नहीं किया, कुछ भी कहीं से लिया नहीं है, तो आपको नो रखना है। हाँ, कहीं से फोटो डाउनलोड किया है, कुछ AI का मटेरियल आप बनाए हैं या फिर लगाए हैं, तो यस कर लीजिएगा, लेकिन ज़्यादातर तो मैं नो ही करता हूँ, मैं तो नो करता हूँ, मैं कोई कुछ भी यूज नहीं करता हूँ। और मैं कह रहा हूँ, मेरी तरह ग्रो होना चाहते हैं तो आप भी कोई भी चीज़ यूज मत कीजिए कहीं बाहर से, सब कुछ अपने मोबाइल फ़ोन। देखो थोड़ा सा बताता हूँ आपको, मैं चाहता हूँ यार आप ग्रो हो जाओ, मैं नहीं चाहता कि आपको कन्फ्यूज़ करके रखूँ और बाकियों की तरह जो है आपसे लाभ लेता रहूँ। इस टॉपिक में मैं वीडियोस आगे अब नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं सोच रहा हूं कि आपको एक ही वीडियो में सब कुछ बता दूं, आपको दूसरा कोई वीडियोस देखने का कोई ज़रूरत ही ना पड़े। ऐसा मोबाइल पकड़ो ऐसा, ठीक है, इसमें रिकॉर्ड करो, जो भी बोलना है बोलो, माइक लगाना है लगाओ, और रिकॉर्ड करके पूरा 10 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड करने के बाद उसको अपलोड करो, थंबनेल उमनेल बना लेना, अपने फोटो खुद का खींच करके ऐसे ऐसे जैसा भी खींचना है खींच लेना, खींच करके थंबनेल बना लेना पिक्सल लैब से और उसको अपलोड कर लेना। अपलोड करते समय पूरा प्रोसेसिंग होने दीजिए, प्रोसेसिंग होने के बाद एक चीज लिखेगा उसमें, जानते क्या होता है, चेकिंग होती है, चेकिंग होता है, जब आप अपलोड करते हैं तो उसमें चेकिंग लिखती है, उस चेकिंग को कभी 20% पे जाके ख़त्म होता है, कभी 50% पे जाके ख़त्म होता है, चेकिंग मतलब पूरा हो जाता है और 100% लिख देता है। लास्ट में एक चीज लिखता है, चेकिंग नॉट फंड, चेक द इशू नॉट फंड, ये अंग्रेजी में लिखता है आपको। आजकल तो ईमेल भी आने लगे हैं कि आपकी वीडियोज को चेक कर लिया गया है, उसमें कोई इशू नहीं है और आप इसको अब सेव कर सकते हैं और या फिर पब्लिक कर सकते हैं। मैं क्या करता हूं, जब
देखो अपलोडिंग पे लगाया, प्रोसेसिंग होगा, 100% होने के बाद प्रोसेसिंग होगा, फिर चेकिंग होगा, फिर ऐसा ईमेल आएगा या फिर नीचे पॉपअप शो करेगा चेक इशू नॉट फंड, तब ऐसा लिख देता है चेक इशू नॉट फंड, उसके बाद से मैं इसको सेव करता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ किसमें, अनलिस्टेड में, अनलिस्टेड में इसको सेव कर लीजिए। और सेव करने के बाद इसको वहां से पब्लिक मत कीजिए जहां से आपने अपलोड किया है, आप इसको दोबारा जाइए कहां पे, YT स्टूडियो में जा करके और वहां पे अनलिस्टेड से उसको पब्लिक में सेव कीजिए। अब इससे क्या होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई ऐसा करने से क्या हो जाएगा, मैं कहता हूँ ऐसा होता है। क्या होता है कि जब आप अपने वीडियोज को अपलोड करते हो अनलिस्टेड में और जो वो सेव हो जाता है, अनलिस्टेड में सेव कर देते हो, तो YouTube का जो सिस्टम है, एल्गोरिथम है, उस वीडियोज को देखो उसमें आपने टाइटल डाला है, टैग डाला है, डिस्क्रिप्शन डाला है, लैंग्वेज डाला है, कैटेगरी डाला है, थंबनेल डाला है, सब कुछ आपने लिखा है, कीवर्ड डाला है। अब YouTube उस उतने देर में, उसको जस्ट सेकंड लगते हैं, 10 सेकंड 15 सेकंड मतलब कुछ समय लगता है या फिर 2 सेकंड भी लगते होंगे। अब उसमें क्या करता है YouTube कि आपकी वीडियोज को जहां भी भेजना है, जिस हिसाब से आपने टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन थंबनेल ये कीवर्ड ये सब डाला है, उस हिसाब से उसको भेजना होता है, उतने देर में वो सेट कर लेता है कि अब इस वीडियोज को कहाँ भेजना है, किन के मोबाइल में भेजना है, किन लोगों के पास भेजना है, कितने लोगों के पास भेजना है। अनलिस्टेड में सेव करने से यही फायदा होता है। अब जब आप उसको एक मिनट के या फिर 30 सेकंड के बाद या एक मिनट के बाद जब आप जा करके फिर मोबाइल में या लैपटॉप में आप जब उसको YT स्टूडियो को ओपन करोगे और उसको दोबारा से पब्लिक में सेव करोगे, तब वो तुरंत लोगों के मोबाइल फ़ोन में नोटिफिकेशन जाएगा, लोगों के ब्राउज फीचर में, होम पेज पे, सर्च लिस्ट में तुरंत जाएगा और ज़्यादा लोगों के पास जाएगा। ये अपना अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि आप अनलिस्टेड में उसको सेव कीजिए और अनलिस्टेड में सेव करने के बाद YT स्टूडियो में जा करके उसको पब्लिक कीजिए। समझ गए? एक काम यहाँ पे लोग गलती करते हैं, ये करने के बाद भी एक काम लोग गलती करते हैं, क्या गलती ये करते हैं कि वो इतना काम हो गया, अब वीडियोस पब्लिक हो गई, अब नेट को बंद करते हैं, घर में जाके सो जाते हैं, बाजार चले जाते हैं, मम्मी बुला रही है, पापा बुला रहे हैं, कहीं घूमने चले गए। ये सबसे बड़ी गलती है, ऐसा आपको नहीं करना है। क्या करना है कि जब भी आपका वीडियोस पब्लिक हो जाए तो जितने देर का वीडियोस है, 5 मिनट का होगा, 10 मिनट का होगा, 20 मिनट का होगा, जितने देर का वीडियोज है उतना देर कम से कम अपने नेट को ऑन रखना है, चालू रखना है, बंद नहीं करना है, उसको छोड़ करके जाना नहीं है। अब ये करने से क्या होगा, है ना, आपको लग रहा होगा कि भाई ये करने से क्या होगा, मैं कह रहा हूँ ये करने से बहुत फ़ायदा होता है। फ़ायदा ये होता है कि आपका जो वीडियोज है, सोचो YouTube कैसे चलता है, इंटरनेट से चलता है, अगर मोबाइल में इंटरनेट ना हो क्या YouTube ओपन होगा, नहीं होगा, यानी कि YouTube जो है ओपन ही नहीं होगा बिना बगैर नेट का। आपको क्या लगता है कि आपने वीडियोज को उसमें पब्लिक कर दिया और सेव कर दिया और उसके बाद से वो अपना काम कर देगा, नहीं करेगा। चैनल वाले लोग तो जो भी यूट्यूबर लोग हैं वो अपना नेट तो बंद करते ही नहीं हैं, नहीं बंद करते हैं, और जो लोग बंद कर देते हैं ये सब ये भुगतान करते हैं, उनका रोना रहता है कि मेरा व्यूज नहीं आ रहा है, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं, ये दिक्कत है, ये परेशानी है, क्या करूँ, बहुत मेहनत कर लिया, वो रोते हैं, उनकी गलती यही है कि अपना नेट को बंद कर देते हैं। देखो यार, आप एक यूट्यूबर हो, नेट को बंद मत किया करो, नेट बंद कर दोगे तो YouTube काम करना बंद कर देगा। ये बात आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, मैं इसमें ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, समझा रहा हूँ कि आप ये गलती मत कीजिएगा। अब नेट को आपने ऑन रखा, पूरा टाइम दिया उसको, कम से कम मैंने बोला कि वैसे दिन भर आप नेट को ऑन रखिएगा, अगर उतना नहीं रख सकते तो जितने देर का वीडियोज है उतना देर तो कम से कम आपको ऑन नेट ऑन रखना ही होगा, ताकि वीडियोज अपना काम कर सके, YouTube अपना काम कर सके, एल्गोरिथम उसका काम कर सके, फिर आप बंद कर दो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब वो लोगों जब 10 मिनट का वीडियो, जब 10 मिनट में कम से कम 10 लोग भी देख लेते हैं तो उस पर वॉच टाइम आ जाता है, उस पर वॉच टाइम आ जाता है। जैसे मान लो ये माइक है, इसके नीचे एक वजन हो जाता है ना, ये भारी हो जाता है, इसके पीछे कुछ पावर मिल जाती है, अब वॉच टाइम ज़्यादा रहेगा तो फिर YouTube उसको सजेस्ट करेगा, ठीक है। और इतना काम
लोग करने नहीं देते, नेट को बंद करके चले जाते हैं, फिर वो यूट्यूब काम नहीं कर पाता है। ठीक है, चलिए यहां तक समझ गए। वाई टी स्टूडियो में इसको जा करके बंद नहीं करना, मैं मिटाता हूं इसको। अब ये सब कुछ कर लिया, ये सब कुछ कर लिया और फिर भी ग्रो नहीं हो रहा है। ये सारा कुछ मैंने बताया, ये भी सारा कुछ कर लिया, हालांकि ऐसा होगा नहीं, 99% लोग हैं इससे ग्रो हो जाएंगे, ये बहुत है जिस हिसाब से मैं बता रहा हूं, इस हिसाब से कर लें तो। लेकिन आपके मन में ये भी सवाल होगा कि यार ये सब मैंने कर लिया और इसके बावजूद भी ग्रो नहीं हो रहा है, अब क्या करें। मैं कहता हूं आपको निराश नहीं होना है, ऐसा करो ना यार, 10-15 दिन करो, फिर भी ग्रो नहीं हो रहा है, एक और तरीका बताता हूं। ये सब करने के बाद वो करना, ठीक है, पहले जो अभी बताने जा रहा हूं इसको पहले मत करना, पहले ये सब आप कर लेना, 10-15 वीडियोज में, 30 वीडियोज में इसको कर लेना। और ये करने के बाद नहीं हो रहा है तो सबसे पहले क्या करना, अब देखो एक लास्ट पोजीशन होता है इंसान का ना, एक लास्ट पोजीशन होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे पास कई चैनल्स हैं तो मैं एक्सपेरिमेंट कर करके ये अच्छे तरीके से समझ चुका हूं, और इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि ये करना लास्ट में। क्या? एक वीडियो बनाना 10 मिनट का, 10 मिनट प्लस, ठीक है, 12-11 मिनट 10 मिनट का एक वीडियो बनाना। उस वीडियोज में कुछ भी हरकत करो, पागल वाला जानते हैं, कुछ भी करो, मतलब या फिर रोना, रोज खूब रोवो, खूब हंसो, खूब पागल वाला हरकत करो, कुछ भी ऐसा उठपटांग काम करो जो लोगों के नज़र में बिल्कुल नया है, ठीक है, एकदम ईमानदारी से। लोग उसको वीडियो मतलब उस तरीके से पहले कभी नहीं देखे होंगे किसी वीडियोज को, ऐसा एक वीडियो रिकॉर्ड करो 10-12 मिनट का। आप ऐसा कर सकते हैं? हाँ यार, क्यों नहीं कर सकते हैं? इसमें कोई पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं चाहिए, उसी मोबाइल फ़ोन से, उसी माइक से, उसी कैमरे से ये हो जाएगा। और ऐसा करने के बाद एक वीडियो रिकॉर्ड कीजिए 10-12 मिनट का। दूसरी बात है, इसका थंबनेल बनाइए एकदम अट्रैक्टिव, मतलब कि जैसे सब बनाते हैं वैसा नहीं, पीछे एकदम सुना हो, पहाड़ हो, पर्वत हो, और पिक्चर एकदम साफ हो, साफ मतलब क्लियर, मतलब कि लोग देखे तो इसको देखते रह जाए, ऐसा थंबनेल, विचित्र ऐसा थंबनेल, एक ऐसा फोटो क्लिक करो उस जगह पे जा करके। थोड़ा सा समय देना यार, समय देना, क्योंकि जब तक आप समय नहीं दोगे ना तब तक सफलता मिलती नहीं है, सफलता त्याग मांगती है, समय मांगता है। एक ऐसा फोटो क्लिक करना जो बिल्कुल बैकग्राउंड में आपका बोल रहा हो, एकदम पानी पानी हो, आग हो, पत्थर हो, दूर तक सन्नाटा हो, कुछ भी ऐसा हो जो तस्वीरें बयां करती है ना, उस टाइप का एक तस्वीर खींचना। और उसमें ज़्यादा कुछ लिखना मत, अपने वीडियोज के अकॉर्डिंग दो तीन वर्ड लिखना, दो तीन शब्द लिखना जो शब्द भी बोल रहे हो, कम शब्दों में ज्यादा बातें। जैसे मैं अभी एक नाम लूंगा राम, ये जो राम आपने सुना आपके मन में क्या आया, पूरा रामायण आ गया, राम का नाम सुनने से पूरा रामायण आ जाता है, ठीक वैसे कुछ भी ऐसा वर्ड लिख देना जो कि कम अक्षर में वो बातें बोल रही हूं, बहुत सारी बातें बता रही हूं, ठीक है। वीडियो समझ में आ गया, थंबनेल समझ में आ गया, अपलोडिंग मैंने बताया है। एक बात का ध्यान रखना, जो वीडियोज आप बना रहे हो उसकी ऑडियो वीडियोज तो बढ़िया होनी चाहिए, लेकिन जो वीडियोज में आप कर रहे हो, पहला जो 2 मिनट है, पहला जो 1 मिनट या 2 मिनट, जो पहला जो मतलब है मतलब इंप्रेशन, वो एकदम धांसू होनी चाहिए, एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, लोगों को ध्यान केंद्रित हो जाए उस वीडियोज में। कुछ भी ऐसा करो, मैं बताया हूं आपको कि या तो आप पागल वाला हरकत करो, उल्टा लटकना शुरू कर दो, कोई भी खेल कूद कर दो, कुछ भी मतलब हरकत करो, लेकिन लोगों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करो, सही काम। अब मैं कुछ भी बोल रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि आप जो मर्जी करो, गलत काम करो, ये सब में नहीं यार, गंदगी वाला काम नहीं, साफ सुथरा वीडियो जो कानूनन सही हो, गलत नहीं हो। हाँ, क्योंकि देखो गलत काम करके तो कोई भी आगे जा सकता है, लेकिन वो ज़्यादा दिन चलता नहीं है, फिर बाद में फंस जाता है, बाद में उसको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, बाद में वो
किसी काम लायक नहीं रहता है, चैनल बैन हो जाता है, डेड हो जाता है, मतलब कि रिजेक्ट हो जाता है, मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम। लेकिन सही करोगे, सही क्या होता है, जैसे मैं अपनी वीडियोज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बैकग्राउंड में जो भी चाहूँ दिखा सकता हूँ, मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, ये मेरी आवाज़ भी है, मेरी वीडियोज भी है, मेरी तस्वीर भी है, मैं सही काम कर रहा हूँ। आपको YouTube के बारे में बता रहा हूँ, YouTube की वो जानकारी दे रहा हूँ जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुना है, इस तरीके से बेधड़क होकर निडर होकर बात कर रहा हूँ, इस टाइप का मैं वीडियोज की बात कर रहा हूँ। सही काम, गलत काम नहीं, किसी की तस्वीर ला करके, कोई अश्लील हरकत करके, कुछ भी ऐसा, ये सब नहीं। ये सब करोगे ज़्यादा दिन तक आप टिकोगे नहीं, ज़्यादा दिन मतलब ज़्यादा दिन टिकना है तो सही काम आपको करना होगा। मैं आज तक टिका हूँ, आज तक बहुत सारे चैनल्स पे काम कर रहा हूँ, ये जो भी मैं बना रहा हूँ, क्यों टिका हूँ, मैं सही काम करता हूँ बिना किसी लालच का। आपसे मैंने एक रुपया लिया नहीं है और ना ही कभी भविष्य में लूँगा, क्यों लूँगा, जिस बात के पैसे नहीं लगते उस बात को लिए मैं पैसे क्यों लूँगा। हाँ, किताब मैंने एक बनाया है, ई बुक मैंने लिखा है। मैं देखो, एक होता है ना कि आदमी को ना जब नॉलेज हो जाती है तो वो नॉलेज शेयर करने का अलग अलग तरीका ढूंढता है। मैं आज वीडियोज में भले ही जो कुछ भी बता रहा हूँ आपको पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैंने क्या किया, एक ईबुक बनाया, एक किताब बनाया। अब उस किताब को छपवाने में, ये करने में बहुत ज़्यादा खर्च लगता था, मैंने क्या किया, एक ईबुक बना दिया। ईबुक क्या है, यूट्यूब का संपूर्ण ज्ञान, ठीक है, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जा करके खरीद चाहें तो खरीद सकते हैं। उसमें यूट्यूब के पाई पाई जो भी ए से लेकर के जेड तक, जीरो से लेकर के हंड्रेड तक, जो भी बातें, जो भी डाउट है, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ाएं, व्यूज कैसे बढ़ाएं, ये कैसे करें, वो कैसे करें, जो भी सवाल है एडसेंस से रिलेटेड, मोनेटाइजेशन से रिलेटेड, जितने भी सवाल हैं, ये सारे सवालों का जवाब उस ईबुक में पड़ा है। आप जा करके खरीद करके पढ़ लीजिएगा, मैं कहूँगा कि यूट्यूबर है तो जा करके खरीद करके पढ़ लीजिएगा, और चाहे तो नहीं भी खरीद सकते हैं, मैं कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ, पैसा है तो खरीदेगा, 400-500 रुपये का होगा, आप खरीद सकते हैं, नहीं भी खरीद सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सच सुनने की ताकत है, सच बोलने की ताकत है। ये सब कैसे हो पा रहा है, क्योंकि मैं सच कंटेंट आपको दे रहा हूँ। आपको भी ऐसा वीडियोज रिकॉर्ड करना है जो बिल्कुल सही है, 10-12 मिनट का वीडियोज रिकॉर्ड कीजिए, दुनिया से अलग कीजिए, विचित्र कीजिए, और करके उसको अपलोड कीजिए, अपलोड कीजिए। आप लिख के ले लो मेरे से कि वो 2-10 दिन में तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन 10 दिन के बाद वो अपने आप पता नहीं कहां से व्यूज आने लगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। 10-15 दिन में उस पर व्यूज आना प्रारंभ हो जाएगा, किसी किसी का तो अगले 2-3 दिन में ही शुरू हो जाएगा, डालते डालते शुरू हो जाता है। लेकिन ये सब काम आप ज्यादा ग्रो मतलब नहीं होगे, एक वीडियो चल जाएगा, दोबारा चलेगा कि नहीं चलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये जो पहले वाला ट्रिक मैंने बताया वो हमेशा के लिए है, हमेशा काम आएगा। और ये दूसरा बता रहा हूँ, ये मतलब थके हुए लोग हैं, निराश कर हुए हुए लोग हैं, ये उनके लिए है। तो मैं दूसरे वाले जो नियम है मेरा, ये दूसरे वाले का मैं बात इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि थका हुआ इंसान तो यार कुछ भी करेगा, क्योंकि अब उसके पास एक उम्मीद रहती है, वो सोचता है कि अब क्या करें, यही ऑप्शन है, ये भी करके देख लेते हैं। लेकिन बुरा नहीं है, अगर आप सही से कर रहे हो तो इस को भी धीरे धीरे चाहो तो इसी कैटेगरी में आप ढल जाओगे। देखो, लोग कुछ और चाहते हैं, आप कुछ और चाहते हो, लोग चाहते हैं आप ये करो, आप इस चीज़ के बारे में बताओ, और आप चाहते हो किसी और चीज़ के बारे में बताना, क्योंकि अब जो आपको पता है वो लोग सुनना नहीं चाहते, और जो लोग सुनना चाहते हैं उसके बारे में आपको पता नहीं है। अब यही कन्फ्यूजन की वजह से आदमी कन्फ्यूज रहता है कि करें क्या, उसका व्यूज नहीं आता है, सब्सक्राइबर नहीं आता है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो इन दोनों का समाधान मैंने सोचा कि आपको दे दूँ, ठीक है। तो अगर पहला वाला यदि काम नहीं कर रहा है तो दूसरा वाला ज़रूर कीजिएगा, और दूसरा वाला अगर करने की नौबत ना आए तो ठीक है, है ना, ये हारे हुए लोगों के लिए है। मैं आज 6 वर्षों से ये YouTube पे काम कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि इससे मैंने बहुत पैसा कमाया, बहुत नाम कमाया, और आज ये मोबाइल वाला यूट्यूबर अपना ज्ञान एक ईबुक में भी लिख दिया है। अपना इंस्टाग्राम है, जा करके आप फॉलो कर लीजिएगा। कुछ भी ऐसी बातें नहीं हैं जो आपको समझ में नहीं आई हो, आई होप मैंने सब कुछ समझाने का प्रयास किया है बिल्कुल हिंदी में। और ये सब करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि मैं, देखो क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग हैं उनको चैनल बनाना भी नहीं आता है, चैनल को कैसे बनाते हैं, मेरे से रास्ते में मिलते हैं, कहीं जाता हूँ शहर मार्केट घूमता हूँ तो मिलते हैं, पूछते हैं कि भैया मेरा थोड़ा चैनल बना दो। अब बताओ, उनको चैनल बनाना भी नहीं आता है और वो कहते हैं मैं यूट्यूबर बनूंगा, क्या ये पॉसिबल है? अरे मूर्ख लोगों,
तुमको चैनल बनाना नहीं आता है चाचा, और तुम मेरे से आगे बोलते हो कि मैं यूट्यूबर बनूंगा। कैसे बनोगे तुम, क्या करोगे, क्या उखाड़ने आओ यहाँ पे यूट्यूब पे, क्या उखाड़ लोगे? तुमको चैनल बनाना नहीं आता तो फिर यूट्यूबर कैसे बन जाओगे भाई, ये तो मेरे को बता दे। तो ऐसे ऐसे लोग हैं। तो अगर जो एकदम गया गुजरा है, जिसको चैनल बनाना नहीं आता है, वो कुछ नहीं कर सकता। उसको कम से कम यार कुछ तो नॉलेज होना चाहिए, उसको अंग्रेजी थोड़ी बहुत आनी चाहिए, उसको ईमेल पढ़ना आना चाहिए, उसको थंबनेल टाइटल डिस्क्रिप्शन ये सब लिखना आना चाहिए, तब न ग्रो होगा वो। ऐसे थोड़ी होता है कि आपने कुछ भी नहीं किया, किसी से चैनल बना लिया, शॉर्ट वीडियो बना के डालने लगे, जनानियां हैं वो वीडियोज बना के डाल रही हैं, माताएं बहनें हैं डाल रही हैं वीडियो, वो वायरल हो जाएंगे? नहीं होगा। अगर वायरल हो भी गया तो बाद में पैसे नहीं मिलने वाले हैं, ये लिख लो मेरे से। वायरल हो भी गया तो पैसे एक रुपया भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपने गलत डायरेक्शन में काम किया है, सही डायरेक्शन में काम नहीं किया है। आज मैं जो भी आपको समझा रहा हूँ, ये मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ। अब मैं ये नहीं कहता कि मुझे YouTube का पूरा ये एल्गोरिथम भी पता है, मेरी सारी वीडियोज पे एकदम व्यूज आता है, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, जितने लोग मेरे को देखते हैं, तो उसके हिसाब से मेरा व्यूज अच्छा खासा आता है। और तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी ऐसा करोगे तो ग्रो हो जाओगे। ज़्यादा घबराना नहीं है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, सफलता आपको बहुत जल्द मिल जाएगी, 15 दिन काफ़ी है, ठीक है? तो मैंने जो भी आपको समझाया, समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक विंक सब दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जा करके परचेज कर लीजिएगा, खरीद लीजिएगा। मिलता हूं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। जय हिंद।